ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਬਟੇ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹਨ ਇਨਡਟਰਮਿਨਟ ਥੈਟ ਵਾਜ਼ 0/0 ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ/ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਡਟਰਮਿਨਟ ਫਾਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਟਰਮੀਨਟ ਫਾਰਮ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਡਟਰਮੀਨਟ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਫ ਐਕਸ ਰੇਸਟ ਪਰ ਜੀ ਐਕਸ ਟਾਈਪ ਯੂ ਨੋ ਪਾਵਰ ਛੋਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਐਫ ਰੇਸਟ ਪਰ ਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਟਰਮੀਨਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਐਕਸ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 1 ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਐਕਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 0 ਰੇਸਟ ਪਰ 0 ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰੇਸਟ ਪਰ 0 ਸੋ ਆ ਤਿੰਨ ਇਨਡਟਰਮਿਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੰਜ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 1 ਰੇਸਟ ਪਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ 0 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਅਗੇਨ ਆਪਰੋਚਿੰਗ ਹੈ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰੈਸਟ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹਦਾ ਆਧੋਵਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆ ਚਲੋ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਲਿਖਤਾ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ अगर नीचे वाला नंबर थोड़ा इनफिनिटी में जाए उपर भी इनफिनिटी दैट इज डिटरमिनेट सॉल्व करने की लोड दैट इज़ इनफिनिटी तो अगर नीचे वाला नंबर जीरो नाव उपर वाला इनफिनिटी दैट इज़ ऑलसो डिटामीनेट ए जीरोच करना है ठीक है वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट दैट के नीचे वाला नंबर बहुत छोटा है ना उपर वाला नंबर बहुत व्डा रइट तो छोटे नंबर न मल्टीप्लाई करी जाओगे है ना इनफिनिट टाइम्स से वो होर छोटा होंगे जीरो वाल अप्रोच कर देगा सो so, ये डिटर्मिनेंट है तो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वी विल डू टूडे बाकी कुछ मिसलीनियस भी ले लेंगे पावर फंक्शन के मैसलीयस का मतलब क्यों हो गया कि जिदा देखो कि मान लो मैं कह एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन दर पार साइन एक्स बाय एक्स है ना अच्छा फॉर्म चैक करो एक्स अप्रोचिज जीरो सो हम जीरो जीरो नीचे वाला नंबर किनू जा रहा है टू न सो आते डिटर्मिनेट ही है और उपरवाली ठीक है एक्स अप्रोच जीरो साइन एक्स बाय एक्स जीरो बाय जीरो फॉर्म है बट ये लिमिट कौ कर केड़ी है सो साइन एक्स बाय एक्स एक्स अप्रोच जीरो दिस इज़ वन सो इफेक्टिवली आंसर थोड़ा टू आ गया ठीक है तो ऐसे एक दोनों बने लिमिट डिटर्मिनेट हो गए या इनडिटर्मनेट एंडस वन so तो मिसलीनियस कैटेगरी पा लेंगे बट मोटा मोटा मैं फिर तो एक बार रिकॉल कर दाँगा कि एना दे प्रॉपर आप मैथड सीखा तिना फॉर्म के डिटर्मेट्स के कोई मसला ही नहीं है बाकी यहोजा जिम्मे नीचे एग्जाम्पल देती है उसमें चैक कर लाँगे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ठीक है बट मेन क्वेश्चन जहरा बेटे आऊगा वो मतलब एना चो और इना चो भी ए बट सीखा तो आह भी आप ठीक है बेटे और एक होर चीज़ मैं रिकॉल करादा बिफोर वी स्टार्ट कि इतने भी एक होर लिख लो कि जब आप एफ रिस्ट पर जी कह रहे दिस वी हैव ऑलरेडी डन लाइक कि एफ हमेशा जीरो तो व्डा चाहिए ठीक है इसी क्वेश्चन हमेशा देखोगे जब भी एफ रिस्ट पर जी का फंक्शन होगा ना तो वो एफ न हमेशा पॉजिटिव देगा मतलब जिदा लिखेगा लिमिट एक्स अप्रोचिज जीरो एक्स रिस्ट पर एक्स मान लो क्वेश्चन लिखेगा तो या तो इतों जीरो प्लस पा देगा सो दैट आ जीरो तो व्डा होगेटिव ल डिफाइंड ही नहीं या आ नहीं पाओगा तो फिर तो नाल मैनशन कर दोगे एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो मतलब आप सिर्फ जीरो दे राइट साइड से बिकॉज वो वह कि आ पॉजिटिव हो बिकॉज आ नैगेटिव होएगा दैन आह पावर फंक्शन डिफाइंड नहीं होएगा ठीक है फंक्शन से आप गल कर चुके हैं जिन्हें नहीं ध्यान दिता से नोट कर लो एफ रिश्त पर जीच एफ हमेशा जीरो तो व्डा होंगे एंड वन लास्ट थिंग के जीडी जीरो बाय जीरो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है है ना ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਅੰਬਿਟਿਡਿਸ ਇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਕੇ ਬਟ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਨਾ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ 0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟਾਈਪ ਥੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਥੈਟ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਆਫ ਦੋਸ ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 1/0 ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ तो दैट बिकम्स व्हाट जीरो बाय जीरो टाइप बन जाएगी या जीरो में लिख लोगे वन बाय इन्फिनिटी ठीक है तो बाय इन्फिनिटी टाइप बन जाएगी जब यह आ गई तो या तो कोई ट्रडिशनल तरीका नहीं तो कि एल हॉस्पिटल रूल ना तो इवेलुएट कर लोगे गए लैट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप जिदा मै कम लिमिट एक्स अप्रोच जीरो प्लस ठीक है एंड एक्स इन टू लॉग एक्स हूँ पहला आप फॉर्म चेक करिए x अप्रोचेस जीरो वट वट दिस लॉग ऑफ जीरो हाँ जी आ लॉग ग्राफ बनाया जीरो थो तो थोड़ा जहाा जीरो थोड़ा व्डा जाओगे लॉग किधर जा रहा है माइनस इनफिनिटी सो दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू वट माइनस इनफिनिटी इन टू एक्स अप्रोचिज जीरो आ वाला नंबर कि जा रहा जीरो नो साइन तो अगर छड़ दो कोई गल नहीं तो किसी टाइप है जीरो इन टू इनफिनिटी टाइप ठीक तो तो है तो हम जीरो इंटू इनफिनिटी टाइप है तो आप इन जीरो बाय जीरो कर लें ठीक है तो की करिए आज जीरो आठ लॉग नैसी प्रोकर लीए आप करा आख जरा वी विल डू लॉग एक्स इन ऐसा आ एक्स है इनू नीचे ले जाके इदा लिख देंगे बिकॉज दिस इज बेसिकली एक्स है ना ना एक फॉर्म बन गया हूँ चेक करोगे एक्स अप्रोच प्लस आ जा रहा है कि माइनस इविनटीन तो साइन अग् रहे तो दिस इज अप्रोचिंग टू माइनस इनफिनिटी नीचे वाला नंबर वन बाय ज़ीरो प्लस हाँ जी वन बाय जीरो दैट इज अप्रोचिंग टू इनफिनिटी सो दैट इज बेसिकली इनफिनिटी बाय इनफिनिटी टाइप हूँ क्योंकि इनफिनिटी बाय इनफिनिटी टाइप है देन वी कैन अप्लाई वट एल एच रूल दे एयर ठीक है सो इदा के क्वेश्चन वी कैन ईजली सोल्व बाय एल एच रूल सो दैट अस अप्लाई एल एच रूल समझे गल तो एल एच रूल लाने हाँ जी क्योंकि इनफिनिटी बाय इनफिनिटी टाइप है हाँ जी के uh, ऊपर दी डिफरेंशिएशन आठ तो करनी है नीचे दी डिफरेंशिएशन आठ तो करनी है सो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स एंड वन बाय एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स एक्स दी पावर माइनस वन पावर फॉमला लाओ सो डिफरेंशिएशन आएगी माइनस एक्स पावर माइनस टू माइनस वन बाय एक्सयर एज द डेवेटिव सो यदी डिफरेंशिएशन आ गई माइनस वन बाय एक्स स्क्र लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ठीक है लेट्स सी तो हूँ की आ गया लिमिट एक्स अप्रोच जीरो अगे माइनस एक्स स्क्र उपर आवला ना आते आजगा सो एक्स स्क्र बाय एक्स दैट इज इफेक्टिवली एक्स आ गया हम एक्स अप्रोचिज जीरो उपर कीरो सो जीरो इन टू माइनस दैट इज़ ए अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द नैगेटिव साइड तो बेसिकली ये लिमिट की आ गए so, पुत्र जीरो आ गए तो इस तरीके ना तो अगर जीरो इंटू इनफिनिटी या हो तो या तो जीरो बाय जीरो रिड्यूस कर लो या इनफिनिटीज एंड अप्लाई एल एच रूल गल समझ आ गई ये आंसर आ गया ठीक है बाकी एज वी मूव ऑन एर प्रॉब्लम करोगे बट आइडिया लग गया ठीक अच्छा है तो चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मशलीनियस टाइप तो ही ठीक है अच्छा कहना के एफ एक्स दिता है क्वेश्चन मैं बना दा क्वेश्चन देख लो कि लिमिट एक्स approaches जीरो ठीक है मल्टीपल दे देने चलो एक आ वैल्यट करो फिर सेम एक्स दे लिमिट एक्स अप्रोचेज़ वन वैल्यूट करो एक्स अप्रोचेज़ इनफिनिटी एक्स अप्रोचेज़ फोर है ना चलो अस डू दिस फोर प्रॉब्लम्स। पहला एक्स अप्रोचेज़ जीरो सब तो पहला कम की करिएगा फॉर्म देखो ठीक है दे तो एक्स अप्रोचिज जीरो कराओ जरा ये तो इतने रखो जीरो तो आ गया वन बाय टू है ना ये डिटर्मेंट है नो प्रॉब्लम ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਔਰ ਆਹ ਵਾਹ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖੋਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ 1 1 ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਇਥੇ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਇੰਡਟਰਮਿਨਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਟੀ 0 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੇ ਇਨਫਿਨਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਡਟਰਮਿਨਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਅ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਸੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਆਦਰਵਾਇਸ अगर डिटर्मीनेट है या इदा है तो फिर आप सीधा आंसर कर क्या ठीक है आंसर हाफ आ गया फिर कहते जी एक्स अप्रोचिज़ वन हाँ जी अगेन फॉर्म चेक कर दें वन प्लस वन टू एंड टू प्लस वन थ्री सो बेसते सीधा ही आ गया यदि फॉर्म चेक करो वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो सर दिस इज़ जीरो बाय जीरो फॉर्म राइट तो आप इनडिटर्मीनेट है एक्स अप्रोचिज़ वन तो आवेलुएट कर ली सपरेटली ठीक तो तो है तो जिरा आंसर आएगा रख लेंगे उपर सो जीरो बाय जीरो आया रूट्स है तो वी कैन रैशनलाइज ठीक है लेट अस डू वन प्लस रूट एक्स सो दे एक्स अप्रोच इज वन हाँ जी इकट्ठा कर दो ए प्लस बी ए माइनस बी एंड वन प्लस रूट एक्स राइट तो हम एक्स अप्रोच इज वन हाँ जी वन एंड रूट वन वन है ना वन प्लस वन टू दैट इज़ वन बाय टू तो न्यूमिनेटर या बेस टू बाय थ्री में जा रहा है

इनफिनिटी बाय इनफिनिटी ठीक है तो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी की होंगे कि हम दोनों की पावर बिल्कुल सेम है वन है तो आंसर की आ जाएगा लीडिंग कोफिशियंट आंसर वन आ गया तो बेस है एज एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी किनू जाएगा पुत्र वन हो जाएगा तो एद मसला कोई नहीं है तो गल आ गई ठीक है इनू वेखद कि एक्स अप्रोच इनफिनिटी वन माइनस रूट एक्स बाय वन माइनस एक्स ठीक है रूट एक्स की है, है पुत्र रूट तो एक्स है एक्स पावर वन बाय टू नो एज एक्स अप्रोच इनफिनिटी इनफिनिटी दाफ हो भी इन्फिनिटी में जा रहा है तो नीचे भी इनफिनिटी नहीं जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बट हम नीचे दी पावर वीड्डी है ठीक है तो नीचे दी पावर व्डी है तो इफेक्टिवली यू नो आंसर कि आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है नीचे वाली इनफिनिटी वीड्डी है उपर छोटी है तो दैट विल बीकअल टू जीरो दिस लिमिट सो की होर आप दिस इज अप्रोचिंग टू वन

ठीक है तो यह मैं तस रहा कि यह आ भी जाना इदा नहीं कि पुछते नहीं है कि कल इंडिटमिनेट पुछे तो पहला फॉर्म चैक करो सीधा कोई सॉल्व नहीं कर लग जाना ठीक है हाँ जी है एक्स अप्रोच इनफिनिटी हाँ जी वन बाय इनफिनिटी ये किनू अप्रोच कर रहा है जीरो नू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन लिमिट एक्स अप्रोच इज इनफिनिटी हाँ जी ये कहनू जाएगा ये भी कि फॉर्म है बेटे इनफिनिटी बाय इनफिनिटी और पावर सेम uh, है तो ये आ गया पुत्र टू सो so, नीचे वाला नंबर जीरो में जा रहा है उपर वाला नंबर टू तो आंसर थोड़ा जीरो वाल अप्रोच करेगा सो आर द लाइक सिंपल वनस लैट नाउ क्विकली रश थ्रू हाँ जी एक्स अप्रोच इज इनफिनिटी क्विकली सी उपर ते दे तो नीचे डिग्री सेम तो मतलब नीचे पूरे जी लिमिट है आ वाली बेस की अप्रोच करेगी वन बाय टू ना यिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है और ये भी उपर तो नीचे डिग्री वन वन सेम है उपर तो उपर वाला आंसर यह वाला आंसर कि जाएगा टू बाय वन टू नएगा सो so, बेस भी इनफिनिटी बाय इनफिन फॉर्म है so, आंसर हाफ नोच करेगा उपर वाले दू न सो so, आंसर थोड़ा इस लिमिट का वन बाय फोर जाएगा ठीक है पुत्र करो एक्स अप्रोच इज़ वन वन माइनस वन जीरो बाय जीरो तो आज जीरो बाय जीरो फॉर्म सोल्व कर लें ठीक है सो एक्स स्क्र माइनस वन इज एक्स माइनस वन इन टू एक्स प्लस वन

टू पार एन लिमिट एन अप्रोच इनफिनिटी नाउ पावर तो इनफिनिटी वालों जा रही है ओके लेट अस सी एन ओ एज एन अप्रोचिज इनफिनिटी लुक एट दिस एंगल तो एक न एन अप्रोच इनफिनिटी टू बाय एन बाय थ्री एन प्लस वन हूँ एन अप्रोच इनफिनिटी है ठीक है तो ऊपर भी एन पावर वन है नीचे भी वन तो यह भी इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म में आ एक्सप्रेशन तो पावर सेम है तो इधर आंसर किधर जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट की रेशियो दिस विल बी मूविंग टूवर्ड टू पाई बाय थ्री ठीक है तो आ कि जा रहा है पुत्र टू पाई बाय थ्री साइन टू पाई बाय थ्री तो यदि वैल्यू कर लेंगे दैट इज साइन ऑफ पाए माइनस पाए बाय थ्री ठीक है दैट इज साइन पाए बाय थ्री दैट इज रूट थ्री बाय दिस नंबर is moving toward root 3 by 2 which is clearly less than 1 matlab this number is root 3 by 2 is lying between 0 and 1 to a number toda 0 or 1 de vich a wala jo answer aaya ha root 3 by 2 aur upar number kinu ja rahe hai infinity nu no. to hun thoda chette karo ke agar upar wala number infinity nu no approach kar rahe hove aur niche ya number ha ji 0 or 1 de vich hove ठीक है देन इनु मैं लचे ए मान लना रूथी बैठो देन आर नंबर अप्रोचेस टू जीरो बिकॉज़ जीरो और वन दे बीच मैं एग्जांपल लेई सी कोई नंबर लोगे ऊपर पावर इंफिनिटी मतलब इनु तुसी मल्टीप्लाई करी जाओगे करी जाओगे तो की होएगा क्योंकि आर नंबर बेचारा ऑलरेडी जीरो और वन दे बीच है उनु मल्टीप्लाई करी जांगे तो मल्टीप्लिकेशन और छोटी होती रहेगी एदा आएगा 0.01 एदा आएगा 0.001 तो दिस विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो राइट तो आ, थोड़ा आ गया आंसर इफेक्टिवली जीरो ठीक है आई होप यू रिमैमर दिस ए रिस्ट पावर इनफिनिटी अगर ए जीरो और वन देव है ऊपर पावर इनफिनिटी है तो आंसर जीरो अगर ए वन है पक्का वन है वो दी पावर इनफिनिटी एपसोल्यूट वन मतलब किसीोच अप्रोच नहीं कर रहा ये पक्का ही वन आ जाएगा अगर ए नंबर ए एक तो व्डा है जिमें टू दावर इनफिनिटी तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर नंबर वादा रहेगा दो गुणा दो चार आठ सोलह है सोलह ठीक है सो ये so, हो गया लेट अस सी अच्छा यदि प्रॉब्लम हो इस टाइप का पुत्र जे एडवांस 2014 थाउजेंड फोरटीन लैटस सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन है कि x अप्रोच 1 है ना f रिस्ट पर g टाइप है तो पहला इन सिंपलीफाई कर दिया लैटर सीआ की आ सो जिदा एक्स वन अप्रोच करोगा पुत्र तो वन माइनस एक्स यिमिट अवेलब कर लो हाँ जी जीरो बाय जीरो टाइप है तो आप इनों की करिए क्योंकि अंडर रूट है तो रैशनलाइज कर ली ठीक है तो ए लिमिट देख लिये किधर जा रही है सो दिस इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज़ वन माइनस एक्स इन टू वन प्लस रूट एक्स एक्स अप्रोच इज़ वन ठीक है सो दर फोर एक्स वैल्यू वन जाऊगी तो यह टू जाएगा तो जी पावर है एक जा रही पुत्र टू न ठीक है तो हूँ आप बेस द लिमिट कैलकुलेट कर ला बेस किधर जा रहे हाँ जी यू मैं थोड़ा तरीके लिख ला साइन एक्स माइनस वन आर टम ठीक है यू कैन सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन है सारे पासे तो तो एदेशों एं भी आप अगर माइनस ए कॉमन कर लिए तो ए आ गया एक्स माइनस वन इधर भी साइन एक्स माइनस वन ठीक है और एक्स माइनस वन इतने लिख लो तो so, कला बेस की लिमिट वैलुएट कर रहे हैं एक्स अप्रोचिज़ वन हाँ जी एक्स अप्रोचिज़ वन में जाऊगा तो कि होगा वन माइनस वन जीरो साइन जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो सो न्यूमनेटर भी जीरो न जा रहा है एदा एंड डिनामीनेटर भी जीरो तो ये बेसिकली अगेन इनडिटर्मेट फॉर्म है जीरो बाय जीरो सॉल्व कर ला सो या तो मतलब इतने दो ऑप्शन है या तो मैं थोड़ा खिलारा घटाण एक्स माइनस वन नी पुट करदा सो एज एक्स अप्रोच इज़ वन टी अप्रोच इज जीरो प्रॉब्लम क्या बन गया सैन टी माइनस ए टी बायन पी प्लस टी लिमिट टी अप्रोच इज जीरो दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म सो जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो साइन टी देचे टी चाहिए तो नोमीनेटर डिनोमीनेटर टी ना डिवाइड कर दी तो साइन टी बाय टी है ना माइनस ए डिइड बाय टी बाय टी प्लस वन ठीक है आई होप यू गॉड द आईडिया इतने टी न डिवाइड डिमीटर भी सो एज टी अप्रोच जीरो आ गया वन माइनस ए आ गया वन प्लस वन टू थोड़ा बेस है वाला सो so, बेस इज अप्रोचिंग टू वट वन माइनस ए बाय टू तो इफेक्टिवली पूरी लिमिट किन जाऊगी वन माइनस ए बाय टू और पावर किनू जा रही थी बैठे टू ना थोड़े को लिमिट आ गई और ये लिमिट कि बराबर है वन बाय फोर दे बराबर है तो गल खत्म इतों हूँ ईजीली कट सकते हो है ना ए, ए दो वैल्यू आ जाने तो कि आ गया वन माइनस ए बाय टू हाँ जी ए दरअ रूट लै लो एक आएगा प्लस हाफ एक आएगा माइनस हाफ सो देर फोर ए तो थोड़े को आ गया एज जीरो ए अगर माइनस लंदे होते तो थवाडे को आ गया ए इज टू सो दो वैल्यू आ गई बट उन्होंने क्या लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव मतलब जीरो तो बड़ा तो देयरफॉर ए आंसर थोड़ा टू आ गया ठीक है पुत्र सो so, ये हो गया सो नाउ लेट अस मूव टू आर मेन नेक्स्ट टाइप वन रे टू पार इनफिनिटी हेडिंग लिख लो पुत्र के वेयर एफ इज दैट इज अप्रोचिंग टू 1 और दिस इज अप्रोचिंग टू इनफिनिटी सो वन रिस्ट पर इनफिनिटी टाइप है एफ रिस्ट पर जी दन रिस्ट पर इनफिनिटी जर वन जा रहा है और जी इनफिनिटी जा रहा है ठीक है सो दिस इज इनडिटर्मीनेट और जरा बेसिक फॉर्मला ना जब ट्रिगनोमैट्रिक लिमिट सय एक्स एक्स अप्रोच जीरो द बेसिक फॉर्मला ऑफ जीरो बाय जीरो है ना तो जो आंसर वन से ही वन रिस्ट पर इनफिनिटी द जरा बेसिक फॉर्मूला है दैट इज लिमिट आ लिख लो दैट यू शुड रिमेंबर ऑल द टाइम एक्स अप्रोच इज जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पार वन बाय एक्स इज इक्वल टू ई बस एक फॉर्मुला इन ही मोल्ड करा आप एक्स अप्रोच इज जीरो एक्स जीरो जाएगा सो आ जा रहे वन प्लस जीरो दैट इज अप्रोचिंग टू वन ठीक है आ वन जा रहे उपर वाला आ वाला पावर जी है 1/0 दैट इज अप्रोचिंग टू इनफिनिटी तो ये 1/इनफिनिटी टाइप है तो अगर ऐसा लिखा तो इसका आंसर क्या है पुत्र ई अच्छा एक मैं ना कंफ्यूजन दूर करता हूं सम टाइम न्याणयानु ये हो जाता होता सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ तो यू नो ਫੇਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਟੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਨਸਰ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ fx ਹੈਗਾ। दैट वाज ਫਿਕਸ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1.1 ਹੈ ਤਾਂ 1.1 ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ। पॉइंट नाइन है पॉइंट नाइन अगर आप किसी जा नहीं सी रहा ठीक है मतलब आ नंबर अगर एक तो छोटा लिया है ठीक है तो उपर पावर इनफिनिटी है तो आंसर पक्का जीरो ही है दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू एज वेल बट ए अंदर की है कि जो बेस है दैट इज ऑलसो अप्रोचिंग टू वन तो अगर नीचे वाला नंबर पक्का एक तो वादी पावर इनफिनिटी है तो आंसर हंड्रड परसेंट इनफिनिटी है अगर बेस पक्का जीरो और वन देख ठीक है और उदी पावर इनफिनिटी है आंसर 0, right? तो आंसर हंड्रेड परसेंट जीरो है राइट तो ये की है ए दिस नंबर इज आल्सो अप्रोचिंग टू वन ठीक है ये फिक्स वन नहीं या फिक्स कोई वन तो व्डा छोटा नहीं यूद भी प्रूव कर सकते हो अगर वन प्लस एक्स रेस्ट पर वन बाय एक्स ये एक लिमिट अपना वैलुएट करनी है तो मान लो यिमिट एल है ठीक है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो दोनों पासे है तो हूँ लैटस टेक लॉग बोथ साइड

ज डायरेक्ट बेटे आ, इस फॉर्मूले I mean के बेस से क्वेश्चन ना वट आई मीन टू से कि वन प्लस एक्स अरेज टू पार वन बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोच जीरो यू नो दैट इज इक्वल टू ई है ना तो मान लो आ एक्स ना हो के कोई होर फंक्शन हो गया है ना एफ एक्स ते आ ते आ दोनों सेम होने चाहिए ठीक है तो जनरल फॉर्मुला की बन गया वन प्लस ਅਗਰ ਇਹ ਟਿਕੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਫ ਐਕਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕਸ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ठीक है इफेक्टिवली क्योंकि आज जीरो जा रहे थे दोनों और दोनों सेम से तो अगर इदा द एक्सप्रैशन है थोड़े को आंसर थोड़ा ई है सो वन प्लस अगर इतने एक्स नहीं होगा टू एक्स थ्री एक्स है या कोई होर फंक्शन है तो पहला जोड़ा फंक्शन इतने उवर चैसीप्रोकुल्स है तो अगर इदा लिखे और ये दोनों जीरो जा रहे आंसर ई है ठीक है दैट इज़ वट आई मीन टू से मतलब अगर मैं कुछ बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देव लैसे वन प्लस थ्री एक्स रिस्ट पार वन बाय एक्स एक्स अप्रोचि जीरो हाँ जी पहला फॉर्म चेक करो तो तो की है एक्स अप्रोचि जीरो दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो है ना तो आते वन वन जा रहे एंड वन बाय जीरो इनफिनिटी जा रहे दिस इज़ वन रेस्ट पर इन्फिनिटी टाइप बट सेम नहीं है ठीक है तो की करिए सेम बना लीए सो लिमिट एक्स अप्रोचिज जीरो वन प्लस थ्री एक्स हाँ जी इतें भी एफ एक्स चाहिए तो इतने एक्स है तो थ्री तो ना डिवाइड थ्री ना मल्टीप्लाई सो जी आ लिमिट है ख्याल रखियो आ जो uh, e. तो थ्री e है ये नहीं मल्टीप्लाई होती पावर है आ जो नंबर है पावर इतना आंसर आ गया ई रेस टू पावर ई क्यूब आंसर आ गया तो जैसे नीचे मल्टीप्लाई होंगे ना फिर थ्री इन ई आना सी बट दिस इज द पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू ई तो ई क्यूब क्यूबा आंसर आ गया ठीक है लेट अस टेक कपल ऑफ यू मोर बेसिक प्रॉब्लम थ्री एक्स बाय बा जीरो अगेन चैक द फॉर्म एक्स अप्रोच जीरो साइन जीरो जीरो दिस इज वन प्लस जीरो ए वन जा रहे एंड वन बाय जीरो दैट इज अपचिंग टू इनफिनिटी तो अगेन आ एफ एक्स है तो की चाहिए पावर भी वन बाय एफ एक्स तो बना लें कोई गल नहीं जो उपर पियाू पिया रहा तो पहला तो आनाईए वन बाय साइन थ्री एक्स ने इत डिवाइड तो इत मल्टीप्लाई ठीक है इना तो आ फॉर्मुला बन जाएगा उपर आ पिया है इन टू वन बाय टू एक्स वो पिया रहेगा एक्स अप्रोचिज जीरो सो नाओ आई एक्सप्रैशन है ये तो कूँ अप्रोच करेगी ई बिकॉज आ जीरो न जा रहा है ना दोनों सेम भी है तो दिस इज अप्रोचिंग टू ई जी आ वाली लिमिट है ये इवैलुएट कर लोगे ठीक है सो ई दावर आंसर थोड़ा आ जाएगा तो आंसर विल बी ई रेस टू पार आ लिमिट इवैलुएट कर लो दैट इज वट साइन थ्री एक्स बाय टू एक्स है ना एक्स अप्रोचिज जीरो सो साइन जीरो बाय जीरो सॉल्व कर थ्री चाहिए आ वाला टू इतका के रख लो तो आ थ्री ना कर दो डिवाइड थ्री ना मल्टीप्लाई तो यदा आंसर आ गया वन तो इफेक्टिवली आंसर आ गया ई पावर थ्री बाय टू इज दैट क्लियर चलो लेट्स मोर वन प्लस स्क्वायर टू एक्स रेस्टू पर वन बाय एक्स टैन फाइव एक्स ठीक है लेट्स लैट्एट दिस हाँ जी फॉर्म चेक करो एक्स अप्रोच जीरो जीरो तरह नीचे वन जा रहा एंड वन बाय जीरो इनफिनिटी तो वन रेस्ट पर इनफिनिटी टाइप है तो की करिए पहला वन प्लस एफ रेस्ट पर वन बाय एफ सेम करो तो वन प्लस साइन टू एक्स का स्क्र इतन 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ sin ਸਕੁਅਰ 2x ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੀ ਹੈਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/ x tan 5x ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚੀਜ਼ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਐਸ ਬੇਸ ਦੀ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆ आ वाली जी एक्सप्रैशन है यदा आंसर तो ई आजगा लिमिट रहेगी आवेल्यूएट करनी हूँ ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है हाँ जी साइन स्क्वायर एनू की चाहिए एक्स ना डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर ना मल्टीप्लाई ठीक एक एक है और आ एक एक्स कट्ट गया तो हूँ बिल्कुल फिट हो गया साइन यूं चलो स्क्यर बना लगे एक्स बाय टेन एक्स टाइप की फॉर्म आ जाएगी ठीक है सो लैट एस मेक इट दिस इज दिस इज़ अप्रोचिंग टू ई राइट तो ई दावर हाँ जी आह कि होगा साइन टू एक्स बाय एक्स द होल स्क्वायर है हाँ, ले ले। तो ना आ होल स्क्वायर ले लिया तो इतें टू ना मल्टीप्लाई नीचे इत मल्टीप्लाई तो बहर आ जाएगा टू द स्क्वायर फोर इंटू एक्स बाय टेन फाइव एक्स मतलब दिस दीज आर नो वेरी बेसिक ओल्ड प्रॉब्लम इतने फाइव एक्स ए फाइव ना मल्टीप्लाई थे फाइव ना डिवाइड लिमिट एक्स अप्रोचिस जीरो सुनाओ एक्स अप्रोचिज जीरो आ वन आ और आ भी वन आ जाऊंगे तो आंसर आ गया ई दी पावर फोर बाय फाइव इंटू वन द दर वन इंटू फाइव इंटू दिस इज फाइव नहीं होना ठीक है क्योंकि आप इन टू वन ठीक है पुत्र आ गया क्योंकि टेन फाइव एक्स बाय फाइव एक्स वन आ गया, अभी गया अब वन द स्क्र वन तो ई e दी पावर फोर बाय फाइव थोड़ा आंसर आ गया ठीक है सो so, ये है कि बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मुला बनया हो वन प्लस समथिंग एंड समथिंग इज अपचिंग टू जीरो उपर भी इतने डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई बाकी जो भी सॉल्व कर लो ठीक है पुत्र सैकेंड टाइप आ दिस इज इंपोर्टेंट ए ना मैं हूँ वंस आ डाइव कर देना आ वाला और तुसी अगे तो बार बार नहीं आ करना तुसी अगे तो सीधा फॉर्मला लाना क्योंकि स्कूल तो है नहीं गा ओबजेक्टिव है तो डायरेक्ट फॉर्मला लाने ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ fx/gx ਟਾਈਪ ਹੈ ਔਰ a نیچے ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਨਫਿਨਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਉ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜਿਦਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇ ਇਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ sin x/x ਮਲੋਆ ਕੁਐਸਚਨ ना हम फॉर्म चेक करो एक्स अप्रोचिज जीरो दिस इज अप्रोचिंग टू साइन एक्स बाय एक्स इज अपचिंग टू वन ठीक है आ वाला एंड एज एक्स अप्रोचिज जीरो वन बाय जीरो अप्रोचिंग टू इन तो फॉर्म तो वन रेस्पॉन्ड इन फिनिटी टाइप है बट वो साढ़े को स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हो बन रहा ना वन प्लस आ वाला फॉमुला नहीं बनया तो हूँ आ एक बार आप फॉर्मुला बना देंगे समझ फॉर्म वन रिसपोड इन फिनिटी है बट जो डराइव किया ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵਾਂਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੱਸ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਊਗਾ ਐਚ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰਤਾ वन जा रहा ठीक है, थी, है और आ जा रहा जी इनफिन तो अंदर प्लस वन माइनस वन करता जी उपर पे पै रहा एक्स अप्रोच पै हम लुक डिस एफ कू जा बेटे वन एफ वन जाऊगा तो वन माइनस वन आह नंबर कि जा रहा सोच के देखो दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो ठीक है तो दिस इज योर एक्स नाउ है ना आंबर जीरो और अगर एक वन भी प ठीक है एंड दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू वट जीरो वन प्लस दिस नंबर अप्रोचिंग टू जीरो तो जे इत जो नंबर है उपर पावर च भी रैसी प्रोकल्च की करिए आ नंबर न डिवाइड कर दिए और ऐसे नंबर न मल्टीप्लाई कर दिए ठीक so है मल्टीप्लाई दे डिवाइड सो दैट वी कैन मेक दिस फॉर्मुला जी तो उपर पिया रहेगा नॉ लुक एट दिस दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो और वो पावर चाह नंबर है वह भी सेम है जीरो जा रहा तो ए वाला फॉर्मूला की बनया वट इज दिस दिस इज नथिंग बट ई ठीक है बिकॉज तीन तो फॉर्मुला लो वन प्लस एक्स रेज टू पार वन बाय एक्स वे दिस एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो दिस इज ई तो इफेक्टिवली हो गया ई e पावर आ बच के ई e पावर एफ एक्स माइनस वन इन टू जी एक्स और जो भी लिमिट है वो आप ला देंगे तो अगे तो की करा आज जो मैं ड्राइव कराया एफ रिश्त पर जी टाइप हो अगर वो वन रिश्त पर इनफिनिटी जा रहा है तो या तो आप एवरी टाइम आ स्ट लिखिए माइनस वन प्लस वन फिर मल्टीप्लाई डिवाइड या अगे तो सीधा ही लिख दोगे ईदी पावर एफ माइनस वन इन टू जी और आ जो भी लिमिट है है ना यू असी इवेलूएट कर लेंगे

एंड वी विवेलूएट दिसव दिस और जो भी आंसर आया ई दावर ओंसर आ जाएगा हाँ जी वन सेकेंड की एनू की लिखा ई दावर एफ माइनस वन इन टू जी ठीक है आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लेयर है ना तो जिदा मैं हूँ एक एग्जाम्पल लैके दिखा फॉर्मुला बस याद कर लो ये हूँ

तो हूँ सीधा मैं कि दसिया थानू दैट इज इक्वल टू ई रिस्ट पार आफ है आ जी है हाँ जी फॉर्मुला की ई दी पावर एफ माइनस वन इन जी तो एफ साइन एक्स बाय एक्स माइनस वन इंटू जी आ जी से इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर लिमिट जी भी ला देंगे एक्स अप्रोचे जीरो दरफुल लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो हाँ जी की बन गया ई रिस्ट पार एक्स ठीक है एलसीय लो माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब एक्स अप्रोचे जीरो और जब मैं कैसी हूँ की अपन आप लिमिट नो इवेलुएट कर लेंगे एक्स अप्रोचेज जीरो अप्रोचे जीरो किम है साइन जीरो 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 माइनस जीरो जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो क्लीयरली बैटर है तो आप इन एल ऑसपीड ला इवैलुएट कर ली एनू मैं सैपरेटली वैलूएट कर रहे हैं पे ईद पावर से रख देंगे ठीक है सो साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब लैटस अप्लाए एलहिल रूल हाँ जी साइन एक्स की डिफरेंसीएशन कोस एक्स एक्स दन एक्स स्क्र द्यूब थ्री एक्स स्क्र ठीक है हालाँकि हम थोनू करना आट स्टिल लैटस गो बाय एलहपिल एक्स अप्रोच जीरो कोस जीरो वन वन माइनस वन जीरो बाय जीरो फॉर्म है हले भी तो मतलब क्योंकि हले भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है वी कैन वंस अगेन अप्लाए एलहसपिल रूल तो एलस्पिल रूल तद तक ला सकते हैं जब तक फॉर्म जीरो बाय जीरो हम कर कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स माइनस वन जीरो डिवाइड सिक्स एक्स ठीक है ना हूँ चलो स्टैंडर्ड बनी गया साइन एक्स बाय एक्स एक्स अप्रोचे जीरो आंसर आ जाएगा वन तो दैट इज माइनस वन बाय सिक्स आ गया पावर का तो इफेक्टिवली आंसर आ गया प्रॉब्लम का ईद पावर माइनस वन बायस सो दैट वॉज